देखना ध्यान से, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि मैंने कल थोड़ी बहुत चर्चा करी भी थी, क्या ये रहा इंक्लाइंड प्लेन। मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास गन है, फायर करना है, कर दो, क्या जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम फायर करो तो जो बुलेट बाहर निकले वो बुलेट अप द इंक्लाइंड प्लेन जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अप द इंक्लाइंड प्लेन जाना चाहिए। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम्हारे पास कितना एंगल है जिस एंगल में तुम अपनी गन को घुमा सकते हो, तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी कि अप द भेजना है, कहाँ भेजना है? अप। तो ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली लाइन, इसी के बीच में तुम्हारी गन होनी चाहिए भाई। यही वो इलाका है या यही वो एंगल है जिसमें घुमा सकते हो। अगर इसके पीछे गए, पीछे चले जाए, अरे नहीं समझे, जमीन में तो चलानी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वो एंगल है जिसमें मैं अपनी गन को घुमा सकता हूँ, या सुनो गारंटी पता है, वो फ्री एंगल जिसमें हम घुमा सकते हैं उसके एंगल बाइसेक्टर पर ही हमेशा रेंज क्या आती है? मैक्सिमम आती है। अभी प्रूफ किया ना, जैसे कि मैं अगर पूछे 90 माइनस अल्फा भैया, तो बताओ इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? मैंने कहा वो पता नहीं चल रहा, मैंने कहा ये एंगल बीटा है, तो वो बीटा क्या तुम्हारे सामने 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा या नहीं होगा? ऑलवेज ट्रू। क्या है? ऑलवेज ट्रू। जैसे कि याद कर लो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कौन सा प्रोजेक्टाइल? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जरा एक बात बताना मुझे, मैं तुमसे कहूँ आगे ही जाना चाहिए, शर्त यह है, तो अपनी गन को यहाँ से लेकर के क्या यहाँ तक कितना आज फ्रीडम मिला तुम्हें 90 डिग्री घुमाने का? अरे इतना फ्रीडम है या नहीं है? तो 90 का एंगल बाइसेक्टर मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, कितना? 45 डिग्री। सालों तो ये मैंने कहानी बताई थी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। कौन सी कहानी? डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अप द इंक्लाइन प्लेन तो अपने आप ही सॉल्व होगी, अप द इंक्लाइन प्लेन तो अपने आप ही सॉल्व होगी। नहीं आई बात समझ? सॉरी उल्टा बोल दिया, ये कहानी बताई थी अप द इंक्लाइन प्लेन, जब बुलेट ऊपर गई तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन वाली कहानी तो अपने आप ही क्या हो गई? सॉल्व हो गई। तो ये है वेक्टर्स मेथड, जिससे हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, u² / g (1)